इस समय हमारे साथ अंबरीश द्विवेदी हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी के बहुत पुराने कार्यकर्ता रहे हैं। उनसे ही उनका परिचय जानेंगे और वो क्या कहना चाहते हैं, अपनी क्या बात रखना चाहते हैं, इस विषय में उनसे बात करेंगे। सर बताइए कि क्या कहना चाहते हैं, पहले तो आप अपना परिचय बताइए। मेरा नाम अंबरीश द्विवेदी है, मैं मंडल टणियावा का रहने वाला हूँ और भारतीय जनता पार्टी का पुराना कार्यकर्ता हूँ। और अपनी सरकार के बारे में हम थोड़ा ये कहेंगे कि सरकार हमारी जो काम क्षेत्र में कर रही है, जनता के प्रति कर रही है, वो बहुत अच्छा काम कर रही है। और विपक्ष के लोग जो है खाम खां सरकार को बदनाम कर रहे हैं। और राशन लोग कह रहे हैं कि धान नहीं बिक रहा है, धान बिक रहा है, बहुत अच्छी दरों में बिक रहा है। लोग अपना धान ले जाके और उचित दाम पे जो है धान को बेच करके। अच्छा अमरीश जी, एक चीज जानना चाहेंगे, आप गांव से जुड़े हुए हैं। जी जी, तो इस समय फसल को लेकर के क्या चल रहा है, खेत में किस तरीके की किसान तैयारी कर रहा है? अब तो धान की फसल खेतों से घर या मंडी पहुंच चुकी है। जी जी जी। तो ऐसे में किन किन फसलों को लेकर के अब किसान तैयारी कर रहा है, और भारतीय जनता पार्टी की चर्चा गांव में हुआ करती है, तो उस चर्चा को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? इस समय पहली बात तो यह है कि गेहूं फसल के बारे में बताना चाहूंगा। पहली बात तो गेहूं की तैयारी कर रहा है, गेहूं और अपना गन्ना जो है मिल को भिजवाने का काम कर रहा है। सरसों बो दी गई है, गन्ना बो दिया गया है। और गांव में जब हम लोग शाम को बैठते हैं तो चर्चाएं भारतीय जनता पार्टी के बारे में हुआ करती हैं। कोई विपक्षी लोग कहते हैं सरकार नहीं बनेगी, तो कहते हैं नहीं सरकार बनेगी। अच्छा सर, एक चीज़ बताइए कि अब प्रधानी का चुनाव आ गया। जी जी। गाँव में अब मौसम भी ठंडा होने लगा है जी, तो आग भी लोग जलाते होंगे। लगातार COVID-19 को लेकर के लोगों को जागरूक करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। जी जी। और लगातार अभी भी वही हाल चल रहा है, तो किस तरीके से लोगों को अभी भी जागरूक करने का प्रयास आपकी तरफ से किया जा रहा है? हम लोग गांव पर COVID-19 के उसमें कहते हैं कि थोड़ा दूरी बनाए रखो और थोड़ा हिसाब से गर्म पानी पियो, गर्म चाय पियो, गर्म काढ़ा पियो, और यही सब जो है थोड़ा ठंडक से बचे रहो, सर्दी न लगे, जुकाम न हो, खांसी ना आए, उसके लिए एंटीबायोटिक दवाओं का प्रयोग करिए। तो ये थे हमारे साथ जिन्होंने गांव की बात की। शहर की चर्चाएं बहुत होती हैं, लेकिन गांव की भी बात होनी चाहिए।